नीचे का देख लो तो भाई। आगे रोड नहीं है तो जाएंगे, निकल जाएगी नीचे लेके चले जाओ नीचे। महेंद्रनगर जा रहे हो? हाँ। तो वहाँ पर भंसार कटा के जाओ ना पहले। कैसे? वहाँ महेंद्रनगर नहीं बनवासा से जाओ। क्या सुंदर नजारा है भाई। हेलो जी, हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज काफ़ी दिनों बाद हम अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो डालने जा रहे हैं। हो गया था असल में एक्सीडेंट हमारी बाइक से, तो बाइक थी डैमेज, बाइक डैमेज के कारण कहीं जा नहीं पाए। और कितना ऊंचा पहाड़ है ये वाला, यहाँ भी बैठने वाले बहुत डर लगता है, ये तो बड़ा खतरनाक चल रही है। भैया मैं ना बैठ रहा इस गाड़ी में, तो डर लग रहा है। एक तो जोर चलाते हैं यार, इधर काटते हैं उधर काटते हैं। बड़े बड़े पेड़ कितने बड़े बड़े पतले से गंदे से हैं पेड़, सब बड़े बड़े पेड़ हैं, पान नीचे से गड्ढे से आए। बंदर बैठा लंगूरी देखा, बहुत मन से ये पिटक बैठक को पकड़ते कुछ भी खिलाफ है। ये देख लो भाई साहब, नीचे का देख रहे हो पहाड़ देख क्या भी हो रहा है, इतने पत्थर पत्थर चमक रहे, वो है माता जी ऊपर। नीचे का देख लो तो भाई सन्नाटा छा जा दिल और दिमाग में भाई, कितनी खराई है बता नहीं सकता, ऐसे सिर्फ पत्थर पे गाड़ी चल रही है दिल और। अरे भाई उधर देख नीचे, अब पहाड़ों पे सब पेड़ ही पेड़ खड़े हैं, बड़े बड़े पेड़ और सारदा नदी ये देख यहीं से निकली, ये देख ये वहीं से निकली है जो पहाड़ों के बीच से, ये देख बंदर बंदी।
छोटे छोटे पानी इसमें चलते रहते हैं, वो कितने रोडे अभी चल रहे हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं पुन्नागिरी मंदिर, और रात में पहुँचे हैं अभी। अभी आपको अभी जहाँ तक रोशनी रहेगी वहाँ तक दिखाते हैं, बाद बाकी तो आपको मैं दिन में ही दिखा पाऊँगा। चलिए आ रहा है, देखिएगा ये भी सारा चढ़ के जाना है वहाँ तक, वो ऐसे गोल गोल करके पूरा वहाँ तक पहुँचना है गाइस। ये जो दुकानें हैं सारी बंद हैं, अभी खुल जाएंगी, उधर से वापस टाइम आएंगे तो आपको दिखाएंगे पूरा व्यू। मॉर्निंग में निकलेंगे, देखते हैं कितने टाइम दर्शन होते हैं माता रानी की कृपा से, जितनी जल्दी हो जाए। गाइस नीचे देखिए कितना चलाया हूँ, कितना चलना है अभी। भाई ये पत्थर कितना तगड़ा है, सारे लोग इसके नीचे से निकलते हैं। ये अपने यहाँ पे आ गए हैं, ये सारे दिख रहे हैं, वो जो माता रानी का ऊपर वाला ये दिख रहा है, ये वाला है मंदिर। बाद बाकी ये तो सब जो है रहने का है, होटल वगैरह। चलिए आ चुके हैं, बस 2 किलोमीटर और करने के लिए रह गया, पहुँच रहे हैं। देखें देखिए गाइस सुन कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे, और वो रही हमारी माता रानी, ये जो दिख रहा है आपको ये है माता रानी। उधर से निकल लो, इधर से आओ। तो काफी ऊपर आ गए हैं, मुझे लग रहा है माता रानी का दरबार आने वाला है आगे, बहुत ऊपर आ गए भाई। वो आप देख रहे हैं दूर आग लगी हुई है जंगलों में, पता नहीं अभी कितनी दूर है। अभी काफी दूर है। ओ भाई हम लोग पहुंचने वाले हैं मंदिर में, कुछ ही दूर बचे हैं, 1 किलोमीटर होगा समथिंग, बस पहुँचना है माता रानी के दरबार में। आपको दर्शन कराते हैं, बने रहिए मेरे साथ, हम भी देखते हैं आपको। तो गाइस बड़ी लाइन लगी है, देख रहे हैं आप काफी लंबी लाइन लगी है, वो तो आपको दिखाते हैं इधर जंगल की आग। चलो 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 तो भाई लोग बहुत मेहनत के बाद माता रानी के दर्शन हुए बढ़िया करके, और जो भीड़ है भीड़ बहुत ज़्यादा हो रखी थी, आपको अभी मैं दिखा दूँ नीचे बराबर
लाइन चल रही है, आगे देखना भीड़ लग रही है, उधर भीड़ लग रही है यहाँ पर। ये जो लाइन है ये सब लोग जा रहे हैं, इतनी ही भीड़ में हम गए हैं वहाँ से लाइन लग, ये तो यहाँ पे लग रहे हैं, हम तो यहाँ से लग के गए थे, आगे से बहुत आगे से लाइन लग के गए, वहाँ से यहाँ से लाइन लग गई। देख रहे हैं कितनी भीड़ हो रही है, अपने लोग वहाँ से लाइन पे लगे थे। नीचे ले लिया जाएगा, देख रहे हैं गाइस कितनी तगड़ी वाली भीड़ हो रही है, बहुत जोर की भीड़ हो रही है भाई। देख रहे हैं गाइस, भाई बहुत भीड़ है यहाँ पे, देख रहे हैं दूर तक लाइन लगी है, भाई लेके जा रहे हैं। चलिए तो वो इसी रास्ते से आए थे और इसी रास्ते से भी जाएंगे वहाँ नीचे तक, जहाँ तक तुम्हें दिख रहा है ना, क्या सुंदर नज़ारा है भाई। ये पहाड़ों के पीछे से अभी ये बीच में तो नहीं दिख रहा, रोड है, ये रोड से आए हो इसे के बज रहे हैं 5:30। देखिए पहाड़ों का नज़ारा, लाइट की वजह से नहीं दिख रहा, आप देखिए आप क्या नज़ारा आ रहा है भाई। ऊपर से आते हुए ये क्या शानदार ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, पहाड़ के पीछे पहाड़, देखिए आपको दिख रहा होगा ये डबल पहाड़ है, पहाड़ के पीछे पहाड़। तो गाइस चलते हैं यहाँ से, अभी आए थे हम लोग पुन्नागिर और पुन्नागिर माता रानी के दर्शन कराए हैं, माता रानी के दर्शन कराए हैं, रात में यहाँ से निकले थे तो इधर बाबा वहाँ पे जाना है, शारदा नदी की काशी कर रही है, अभी मैं ले चलूँगा नीचे ही ले चलूँगा, दिखाता हूँ आपको, बहुत अच्छी सी शारदा नदी है, साफ पानी है एकदम, आवाज़ यहाँ तक आ रही है। तो अब चल रहे हैं नेपाल के लिए, है ना, अब चल रहे हैं नेपाल के लिए, बाबा बाबा कौन से काल से काली सेन तो हैं, है भैरवनाथ के ऊपर से, सर बहुत तगड़े हैं और अभी भूख नहीं लग रही है, जाली अभी जा रहे हैं उनको शाम तक दर्शन हो पाएंगे, बहुत तगड़ा वाला जहाँ हो रखा है ऊपर भाई, निकल चुके हैं करने के बाद, देखिए पहाड़ क्या सुंदर पहाड़ है भाई, क्या नज़ारा है, पहाड़ों का नज़ारा लेना है तो उत्तराखंड में ही आइए। देख रहे हैं कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, ये देखिए आप क्या ऊंचे पहाड़ हैं भाई, यहाँ से भी बांध देखो कट के आया था वो वाला पहाड़, ये इधर गया शारदा नदी में नीचे, और जैसा कि इधर गाड़ी, ये बाबा सिद्धनाथ मंदिर जाना है इधर से, ठीक धन्यवाद। देख रहे तो देखिएगा इस पहाड़, पहाड़ों में आग लग रखी है, देख रहे हैं धुआं वगैरह उठ रहा है, आग लग रखी है पहाड़ों में, वो देखो धुआं उठ रहा है वो, एक बार पहाड़ का व्यू दिखा देता हूँ मैं पीछे, देखिए गाइस
पहाड़ी पहाड़ हैं, वो जहाँ तक दिख रहा है सारे पहाड़ी पहाड़ हैं। ये पानी है इधर, चलो वो डैम से होके निकलते हैं नेपाल के लिए। वो जो डैम है उधर से जाना पड़ेगा हम लोगों को, उधर से जाके। और इसके पार शायद पानी इसका है, खुला है सारा। नहीं नहीं कुछ गेट गेट से जाएंगे हम लोग उधर, उधर बाइक पे अलाउ होंगी। ये है बांध, देखो एक तो नदी ये गई है, ठीक है, ये पता नहीं किधर गई है, ये शायद बरेली की तरफ गई है ये वाली नदी। और ये अपना रोड है, और ये है नेपाल के लिए, इधर जाते हैं। तो अभी अपने लोगों को जाना है इधर, और देखो कितना कम पानी छोड़ा जा रहा है, अभी बस एक ही नदी में पानी छोड़ा जा रहा है, बाद बाकी सारा पानी ये देखो ऊपर तक भरा पड़ा है, ठीक है, पूरा पानी पानी है। देखो यहाँ से पहाड़ कितने सुंदर आ रहे हैं, और इधर कुछ पानी नहीं छोड़ा जा रहा है कुछ भी। देख रहे हैं ना भाई, क्या सुंदर नजारा है, नहीं रोकते हैं।